ओम शांति। आज है 5/3/2022 की मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा से तुम्हें सुमत मिलती है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। क्वेश्चन है, संगम युग पर बच्चों के अंदर कौन सी आशा उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आशा उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, यह आस उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाप ही पूरी करता है। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आशा नहीं रहेगी। गायन भी है, प्राप्त अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है, सब भगवान को ही याद करते हैं। बाकी सभी सीताएं भगवतियां सभी दुखी हैं, याद करते करते आखिर वह दिन आता है जब बाप आकर के हाथ पकड़ते हैं उनको। खिवैया भगवान पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया वर्षा देने के लिए। बाबा से ही वर्षा मिलता है, यह है ही बेहद का बाप परमपिता परमात्मा। इसलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वे सब उनको याद करते हैं, परंतु यह बात भक्त नहीं समझते हैं। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर के इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते भी हैं परंतु बाबा का किसी को भी पता नहीं है। जिनको बाप का पता ना हो वह जैसे बच्चा ही नहीं है। बाप को ना जानने के कारण, नास्तिक बनने का कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे। बाप से वर्षा लेने बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं, लेना सबको है बाप से। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको सहज बात समझाता हूँ, बस मुझे अपने बाप को याद करो। और यह बाप समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसी पुरानी बात है, कलम कलम तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो, 84 जन्म तुम लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, तुम समझते हो। हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया, अब फिर पावन बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई आस नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने, यह बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे सुनते थे, परंतु यह आस नहीं थी कि हम राजयोग सीख नरसिंह नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाबा ने आकर के प्रवेश किया। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आस पूर्ण करने आया हूँ, अब स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप, वह बहुत सहज रीति से समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार
छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात। उनका नवरीति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भक्त गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, किसी को भेजते हैं कृष्ण का नाम, फिर गोविंद रख दिया है, जो सुना है वह लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहेंगे, गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाबा ने आकर सुमत दी है। माया रावण कुछ कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो, यह हम झूठी मत पर थे। स्वर्ग की आस तो थी नहीं, अभी बाबा ने नई आस प्रकट की है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिनके लिए हमें माता मारना पड़ता है। अब तुम सबकी नई आस है। भल पुरुषार्थ नंबर वार करते हैं, बाप तो नंबर वार मत देते हैं ना, कहते हैं यह तो ऐसे है। जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़े गिरे रहते हैं, चढ़ते हैं गिरते रहते हैं। अभी खुशी में नाचते हैं, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते हैं। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ ना कहाँ सूत मुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़कर रावण की मत पर चलते हैं फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होता है। तुम्हारे अंदर बाबा ने ही आस प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, जैसा यह ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम। यह बात भूलो मत, परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस नहीं देती, कहाँ ना कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पिछाड़ी पीछे आकर कहते हैं बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला तो राय लेवे, अब क्या करें। माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाबा क्या करे। हर बात में कदम कदम पर सावधानी, बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे, पुरुष स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, इसमें बहुत युक्ति चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाना इतनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो, कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। भाई बहन का नाता कभी उल्टा नहीं होता, लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है, यह तो है नई बात। ऐसी राय कभी कोई दे ना सके, कोई पूछे भी के हो तो भाई बहन हो गए तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है, पत्थर बुद्धि है। तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर हैं, इसमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। तो भाई बहन ढेरे, वह क्रिमिनल साठ कर न सके, इम्पॉसिबल। यह तो नई रचना है ईश्वर की, वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं। बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखाता हूँ। फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सके। अभी मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की है, यह फिर शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक,
दैत्य है पति दुनिया के, उनों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करके क्या अच्छा भला? आसुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। अब अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करें, हिसाब ही नहीं है। जहां असुर है वहां देवता कोई है नहीं, जहां देवता है वहां असुर नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है? कौरव पांडव वाले मनुष्य पांडव की लड़ाई लग ना सके, बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव को कोई मूर्ख थोड़े थे जो जुआ खेले व आपस में लड़े। बाबा ने समझाया है कि यह बाप का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाना, तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत पा लेते हैं। फिर उनों को देवी देवी कह पूछते हैं, मदद मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, यह हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया, भट्टी जो बनी तो जरूर भागी होंगी। बंदेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं है, इनके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएं? यह घर से निकाल देंगे। अच्छा, हम जाकर बर्तन मांजेगी, झाड़ू लगाएगी, बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ है, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब काम करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी रखनी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनो तब बात है। शिव बाबा को मत देनी पड़े, ज्ञान मिलता है। कपड़ा जैसे भी पहनो, हर्जा नहीं है। बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते हैं सबको गुल गुल बनाकर ले जाने, प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझ सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुप्त करना चाहिए। इसके लिए तुम याद में रहने की जितनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते वह ऐसे ही थोड़े मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो सुधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्म इंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं। परंतु कब तक? आखिर कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी यह पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्मयोगी हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की धमासान ने हैरान कर दिया है, अभी तुमको हम हंगामे से छुड़ा दिया है। बाबा के दर्शन मिलते हैं कि अब अश्रीरी बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए हैं सो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा है बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब
चुप्त करने हैं, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान है बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहेंगे वह इतने विजयी होते हैं। जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया बार कर नहीं सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग रहने वाले कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति।